करती होळी नो आध्यात्मिक रहस्य शुं छे ए विषय आज जाणीशुं। एमां खूब सुंदर प्रचलित कथा अनुसार प्रहलाद अने एना पिता हिरण्यकश्यप कि जे पोते एवुं ज मानता हता कि हूँ ज भगवान छूं, आ दुनिया में बीजो कोई ज भगवान नथी, अने एमनो ज सुपुत्र प्रहलाद कि जे नारायण नी भक्ति करतो हतो, खूब ज एनो जाप करतो होय छे, अने त्यारे एना पिता पोताने सर्वस्व मानवानो अभिमान ने कारणे एने गमे ते रीते परीक्षाओं अने हैरानगति करे छे। त्यारे एकवार एने अनेकों परीक्षाओं बाद एने एकवार एनी ज बहन हिरण्यकश्यपनी बहन प्रहलादनी फूई एने एक एवं वरदान होय छे के अगर जो ए कोईने पण अग्नि में लईने बेसे अथवा पोते अग्नि में होय तो एने अग्नि बाळी नथी शकती। एटले एना भाईने एवुं थयुं के हुं होलिकाना खोड़ानी अंदर प्रहलादने बेसाडीने प्रहलाद ने मृत्यु आपी दईश, जो एनो भगवान हसे तो एने बचावशे अने ए अखतरो करवा माटे, कारण के होलिकाने तो वरदान हतुं, ए तो पोताने जीवित राखी शके, तो ए ज भावनाथी प्रहलाद ने एने कोईना खोड़ामां बेसाडे छे अने एनु पेपर एनु परीक्षा लेवामां आवे छे अने थाय छे एवुं के होलिका बड़ी जाए छे अने प्रहलाद बची जाए छे। ए श्री हरि नो जाप करता होय छे अने ए बाळक बची जाए छे। कहेवानो भावार्थ आ दुनिया में जे शरीरधारी छे ए बधा ज नश्वर छे, परंतु ए प्रतीक छे वास्तवमां शरीरनुं। होलिका ए प्रतीक छे शरीरनुं अने प्रहलाद ए प्रतीक छे आत्मानुं। तो ज्यारे आत्मा स्थिति में आपणे स्थित होईए छीए तो आपणने कोई पण बहारनी परीक्षाओं के कोई पण विघ्न समस्या ए हरावी नथी शकता अने आपणे ज्यारे परमात्मानी यादमां होईए छीए तो क्यारेय पण कोई आपणुं अहित नथी करी शकतो। अने एटला माटे आ एक उदाहरण अथवा तो एक कथा प्रचलित छे। तो कहेवानो भावार्थ आ होळी शब्द ने पण समजवा जेवुं छे। होली जे थई गयुं ए थई गयुं, एनुं चिंतन आपणे नहीं करीए। बीजुं छे होली, अंग्रेजी में होली एटले पवित्र, अने त्रीजो भावार्थ छे मैं भगवान की होली, हूँ भगवान नी बनी गई थई गई। तो खूब सुंदर आ अर्थ साथे आ होळी ने आजे आपणे उजवीशुं मनावीशुं। घणी बधी एनी पाछळ मान्यताओ छे। घणा एने लोरी तरीके पण आ प्रथाने एटले के आ उत्सवने उजवे छे, कारण के ज्यारे अनाज तैयार थई जाय छे तो ए अनाजने खावा योग्य ज्यारे बने छे एटले ए अनाजने प्रथम ए अग्निमां होमवामां आवे छे अने त्यारबाद ज बीजा एने व्यवहार में अथवा तो अपना जीवन में उपयोग में लाववामां आवे छे। तो आ प्रथा त्यारथी शुरू थई एटले आजनो दिवस एने लोरी तरीके पंजाब बाजुनी अंदर एने उजववामां आवे छे। बीजा दिवसे धूळेटीनो दिवस होय छे एटले के रंगोत्सव होय छे। तो आवा धूळेटीना दिवसों में लोको एकबीजा उपर रंग नाखे छे, कारण के आत्मा ज्यारे बची जाए छे एटले के आत्मा अविनाशी छे, आत्मानुं अस्तित्व क्यारे नाश नथी थतुं, एनी खुशी में लोको बीजा दिवसे खुशीनो उत्सव रंगोत्सव मनावे छे। परंतु आवा आध्यात्मिक भाव साथे आपणे आ उत्सव नथी मनावता। बीजा दिवसे फक्त कलर ने एक बीजा पर नाखीने काड़ा पीड़ा थईने आज तो केवुं केवुं केमिकल यूज करीए छे जे शरीर ने नुकसानकारक छे એવો કાદવ કીચડથી એકબીજાને રંગવાની કોશિશ કરીએ છીએ, પણ એ રંગનો ઉત્સવ એ મહત્વ નથી। વાસ્તવમાં રંગ જે મુખ્ય કલર છે એ ગુણોનું પ્રતીક છે। આપણા જીવનની અંદર જ્યારે પ્રેમ છે તો એ હરો રંગ, આપણને લીલો રંગ, જીવનમાં લીલોતરી જ્યારે છવાયેલી હોય ત્યારે પ્રેમ જીવનમાં છે એવું ઉજાગર થઈ શકે છે। જ્યારે આપણા જીવનની અંદર આનંદ છે તો જાંબલી કલર એનો રંગ છે। જ્યારે આપણા જીવનની અંદર જ્ઞાન છે તો ડાર્ક ભૂરો કલર। જ્યારે આપણા જીવનમાં શાંતિ છે તો વાદળી કલર। જ્યારે આપણા જીવનમાં સુખ છે તો હળદર પીળો કલર। જ્યારે આપણા જીવનની અંદર પવિત્રતા છે તો નારંગી કલર। જો આપણા જીવનમાં આપણે શક્તિશાળી બની ગયા હોઈએ તો એ લાલ કલર। તો આવા રંગને એક ગુણો સાથેનું એનું મહત્વ છે। આપણા જીવનની અંદર એકબીજા પર આ ગુણોનો છંટકાવ કરવાનો છે, જેનાથી આપણે પણ ખુશ થઈશું અને સામી વ્યક્તિ પણ ખુશી આનંદનો અનુભવ કરી શકે છે। આવો આવા હોળી અને ધૂળેટીના ઉત્સવને આપણા જીવનમાં લાવીએ અને જે વીતેલી વાતો છે એને ભૂલી જઈએ અને આપણા જીવનની અંદર ખુશી અને આનંદનો રંગ ફેલાવીએ। એવી આ હોળી અને ધૂળેટીની આપ સર્વ ભાવિક ભક્તજનો અને સર્વ આત્માઓને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। શુભ મંગલ। ઓમ શાંતિ।